ठीक है। और सेकेंडली फिनिशिंग काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो क्वालिटी है एम्ब्रॉयडरी की, और फैब्रिक पे आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस पर यूज़ किया गया है। लॉन्ग टाइम से जो है ये रीस्टॉक नहीं हो पा रहा था, तो अब फाइनली ये रीस्टॉक हो गया है। जिन कस्टमर्स ने डिमांड की हुई थी तो वो अब इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो बेस फैब्रिक है इसका, जो गाउन का है, अच्छा ये बता दूँ कि ये सेपरेट हो जाता है, ये अटैच नहीं है इसका जो गाउन। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने विजिट किया है एक होम बेस्ड ब्रांड को जिसका नेम है क्वीन स्प्रेड्स, हम इनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मैम, इस वीडियो में कौन से आप कलेक्शन देखे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? इसमें कुछ जो है वो बिल्कुल न्यू अराइवल्स होंगे, न्यू डिज़ाइन है मैक्सीज में, और कुछ आई थिंक एक दो जो है वो रिपीटेड आर्टिकल्स होंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो शिफॉन स्टाइल में गाउन स्टाइल मैक्सी है, जो आपके सामने आप एक बार मतलब कि आर्टिकल डिस्प्ले करने से पहले मैं एक बात जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बता दूं कि काफ़ी मुनासिब प्राइसेस में इनके सब आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, और सेकेंडली जो आर्टिकल्स की जो फैब्रिक है, क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और जो प्लस पॉइंट है वो प्राइसेस हैं कि प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हैं इनकी। सो डेफिनेटली आप इनकी जो कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, और हम ये फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, और आपकी बात को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि प्राइसेस जो है ना वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। हर आजकल मार्केट में जो है ना एक ही डिज़ाइन की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसेस होती हैं। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छा फैब्रिक यूज़ करते हैं, अच्छा काम किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही भी प्राइसेस भी रखी जाती हैं। अब ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये शिफॉन फैब्रिक में बना हुआ है मैक्सी। तो दुपट्टे को पहले हम डिटेल्स इसकी मैं बताना चाहूँगी कि ये ऑर्गेंजा फैब्रिक पर है दुपट्टा इसका। ठीक है, टू साइड्स इसके जो पल्लू हैं वो उसके ऊपर एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, सही हो गया। और साथ ये फ्रंट ओपन स्टाइल में गाउन है ये वाला? जी बिल्कुल, ये फ्रंट ओपन स्टाइल में मैक्सी डिज़ाइन की गई। इसका जो गाउन का फैब्रिक है वो शिफॉन है, और ये अटैच्ड है इनर के साथ। जो इनर है वो शर्ट के साथ इसको बनाया गया, और वेस्कोस फैब्रिक है। नेकलाइन पर काम हुआ हुआ है इसका, तिल्ला और सीक्वेंस का यूज़ हुआ हुआ है इसके ऊपर, ओवरऑल मैक्सी पर भी, शर्ट पर भी। और स्टोन्स जो हैं वो पेस्टेड हैं, और बाकी सब कुछ जो है इसके ऊपर तिल्ला और सीक्वेंस की वर्किंग है। ठीक है, इसका बॉर्डर जो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। थोड़ा सा ना आप मैक्सी को काइंडली थोड़ा सा ऊपर करके ना वो दिखा दें। जी ये आप इसका बॉर्डर दिखा दें। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन के साथ नीचे सारी ये डिटेलिंग की गई है इस पर ये। जी, और इसके साथ जो ऊपर रेशम का वो टच है वो लाइट टी पिंक शेड का है, और जो इसकी बेस का शेड है वो लाइट पिस्टैचियो है। ठीक है, और इसकी बैग भी बैग भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। जो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर काम हुआ वो एप्लिक वर्क हुआ हुआ है इसके साथ, और नीचे बॉर्डर जैसे फ्रंट पर है वैसे ही बैग पर भी गिवन है, और ओवरऑल मैक्सी पर भी सारा तिल्ला और सीक्वेंस की वर्किंग चल रही है। सही, ठीक हो गया। और ट्राउज़र किस तरह का होगा? और इसके साथ जो बॉटम दिया गया है वो प्लाजो। ठीक हो गया, और बीएसएस की भी रेशन से होती है ऐसे ही? जी। तो ये किस प्राइस रेंज में होगा? ये मिलेगा 14,000 में। 14,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। और साइज़ की कितनी ऑप्शन होगी? स्मॉल मीडियम लार्ज अवेलेबल है। सही जी। सो इसके बाद हम ये नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ ये आर्टिकल डिज़ाइन किया गया है, और इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें अगर आप। जी, ये नेक्स्ट जो है ये बहुत ही खूबसूरत डबल लेयर में मैक्सी डिज़ाइन की गई है। इसकी जो स्टिचिंग की है वो बहुत मेहनत से की गई है इसकी स्टिचिंग, क्योंकि डबल लेयर में और जो स्टाइल दिया गया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो बेस फैब्रिक है इसका जो गाउन का है, अच्छा ये बता दूँ कि ये सेपरेट हो जाता है, ये अटैच नहीं है इसका जो गाउन है, और ये सॉफ्ट नेट फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है जो इसका गाउन है, और इसके ऊपर जो सारी डिटेलिंग है, काम है, वो सारा जो है रेशम यूज़ हुआ हुआ है, और तिल्ला और सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, और रस्ट ऑरेंज का जो है वो इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया गया है। और अगर हम इसकी इनर की बात करें तो इसकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर कटदाना का काम हुआ है, वो सारा स्टिच्ड है। ठीक है, कुछ भी इसमें जी पेस्टेड नहीं है कुछ भी। तो नीचे बॉर्डर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, और ये डबल लेयर में है। जो इसका इनर है उसका बॉर्डर भी डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इनर बॉर्डर भी एम्ब्रॉयडरी के साथ है वो भी?
जी उसका जो बॉर्डर है वो डिज़ाइन है उसके ऊपर बॉर्डर पर, और बाकी जो उसकी नेक लाइन है वो कटदाने के हाथ के काम के साथ है, ठीक है। बाकी इसकी जो बैक है वो भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग लग रही है इस आर्टिकल पे, कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बाकी जो है इसका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। सही, ठीक है, बैक थोड़ी सी लाइट में रखी गई है लेकिन फ्रंट काफ़ी हैवी डिज़ाइन किया गया इसका जी। बाकी फ्रंट से एक बार दोबारा दिखा दें, और जो इसका ट्राउज़र है वो सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र है रशियन सिल्क फैब्रिक पर, ठीक है, और दुपट्टा दिखा दें वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर है। तो इसके साथ ये दुपट्टा डिज़ाइन किया गया और ये भी ऑर्गेन्जा बेस पे ही है जी, ऑर्गेन्जा बेस पे फोर साइड जो है वो किरण लेस लगाई गई है, ठीक हो गया, और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन गिवन है इसका दुपट्टे के साथ ये। और एक बार अगर इसकी कंप्लीट वेयरिंग दिखा दें दुपट्टे के साथ, क्लाइंट्स को व्यूअर्स को आइडिया हो जाएगा जी। सो गाइस आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ ये आर्टिकल डिज़ाइन किया। सो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल आप डिस्प्ले करोगे? नेक्स्ट जो है वो कोटी स्टाइल में मैक्सी डिज़ाइन की गई है, जो इसके ऊपर बॉडी है ये स्टिच्ड जैकेट है, ठीक है, ये सेपरेट नहीं है, अटैच्ड है, ठीक है, सिर्फ इसका स्टाइलिंग दी हुई है स्टिचिंग में, और इसकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर स्टिच्ड मोती लगे हुए हैं, बाकी जो ओवरऑल मैक्सी है उसके ऊपर सारा सीक्वेंस और तिले का काम हुआ हुआ है, और जो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है वो शॉकिंग पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट है जी। बाकी ओवरऑल इसके लुक आप देख लें, ओवरऑल भी जो है वो सारा सीक्वेंस वर्क एंड थ्रेड वर्क के साथ ही है जी, और जो मैक्सी का बॉर्डर है ये कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है ये जी। फैब्रिक जो है वो ऑर्गेन्जा है, ठीक है, बाकी इसकी जो बैक है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, फ्रंट बैक ये हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है, और सेकेंडली जो आर्टिकल की फिनिशिंग भी आप ये देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी इस पर की गई है, और ये नीचे बॉर्डर जो है वो सेम है जैसे फ्रंट पर गिवन है वही उसी को कैरी करते हुए बैक पर भी दिया गया है। सही, ठीक है, और इसके साथ दुपट्टा भी कॉम्बिनेशन में आई थिंक होगा। सो ये आर्टिकल के साथ दुपट्टा है जो कि सेम एज इट इज कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया गया है, बेस इसकी भी ऑर्गेन्जा पर रहने वाली जी, ऑर्गेन्जा पर ही है, फोर साइड दुपट्टे के जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, बाकी ओवरऑल भी छोटे इसके ऊपर तिल्ले और सितारे के साथ बंचेस बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा गिवन है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, साइजेस स्मॉल मीडियम एंड लार्ज अवेलेबल है, प्राइस आपको मिलेगी इसकी 12,500, ठीक है, 12,500 की प्राइस रेंज में वाला आर्टिकल अवेलेबल होगा, और ट्राउज़र इसका भी प्लेन में ही होगा जी, ट्राउज़र प्लेन होगा रशियन सिल्क फैब्रिक पर स्ट्रेट ट्राउज़र। सो इसके बाद हम ये नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं और ये भी आपका न्यू अराइवल में से आर्टिकल है जी, ये भी न्यू अराइवल है, ब्लैक ऑर्गेन्जा पर मैक्सी बनाई गई है। पहले हम दुपट्टे की डिटेल्स शेयर करेंगे, दुपट्टा जो है वो इसके जो पल्लू हैं वो कॉन्ट्रास्ट में दिए गए, जो कॉम्बिनेशन हमने मैक्सी में यूज़ किया वही दुपट्टे में यूज़ किया है, ठीक है, पिंक और पर्पल का इसका बॉर्डर में कॉन्ट्रास्ट है दुपट्टे के, और ओवरऑल जो वर्किंग है वो सारी तिल्ले और सीक्वेंस की है दुपट्टे के ऊपर, और फोर साइड जो है वो इसके ऊपर बॉर्डर भी दिया गया है दुपट्टे के, ठीक हो गया, ये दुपट्टा जो हो गया इसके भी फुल अच्छी लेंथ में है दुपट्टा, और अच्छा बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सही, और साथ ही इसकी फ्रॉक है वाला जी, ये लॉन्ग मैक्सी है फ्लोर लेंथ की, 10 पैनल्स इसकी हैं फ्रंट पर, 10 पैनल्स हैं बैक पर, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका, ऑर्गेन्जा बेस है, बाकी ओवरऑल सारा इसके ऊपर जो है वो रेशम सीक्वेंस और तिल्ले का काम है, ठीक है, और सेकेंडली फिनिशिंग काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो क्वालिटी है एम्ब्रॉयडरी की और फैब्रिक पे आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस पर यूज़ किया गया है ये जी, ठीक है, बाकी जो है आप इसका ज़रा ओवरऑल क्लोजली दिखा दें क्योंकि कस्टमर अक्सर कह रहे होते हैं कि आप जूम इन करके नहीं शो कर रहे, तो सही, ठीक है, इसमें आप ये एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं ये, और ओवरऑल जो मैक्सी की लुक आ रही काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ये डिज़ाइन की गई है, और इसके साथ ये बॉडी है ये भी सेम एज डे सीक्वेंस वर्क एंड थ्रेड वर्क के साथ डिज़ाइन की गई है ये, सही, ठीक है जी, और इसकी बैक भी शो करवा दूँ, ठीक है, बैक इसकी लाइट वेट में रखी गई है जी, बैक पर जो है जो इसके पैनल्स हैं उसके ऊपर गोटा लप्पा लगा हुआ है, ठीक है, बाकी जो इसकी बॉडी है वो उसके ऊपर सीक्वेंस और तिल्ले का काम है, ठीक है, और साथ जो ट्राउज़र है वो भी सेम प्लेन में आएगा जी, ट्राउज़र जो है वो सेम आएगा, फ्लेयर बहुत अच्छा दिया गया है, स्मॉल मीडियम लार्ज साइजेस अवेलेबल हैं, और प्राइस आपको इसकी मिलेगी 10,000 रुपीज़, ठीक है,
तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल आप कवर करोगे? ये नेक्स्ट जो है ये रिपीटेड आर्टिकल है, काफ़ी ये लॉन्ग टाइम से जो है ये रीस्टॉक नहीं हो पा रहा था, तो अब फाइनली ये रीस्टॉक हो गया है। जिन कस्टमर्स ने डिमांड की हुई थी तो वो अब इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साइजेस इसमें आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज मिल जाएगा। और बाकी इसकी जो डिटेल है, ये शिफॉन फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है, गाउन स्टाइल में मैक्सी, ये गाउन इसका अटैच्ड है कम्प्लीट, इसके ऊपर सीक्वेंस और तिल्ले का काम है, और इसके साथ जो नेवी ब्लू शेड है बेस, और कंट्रास्ट जो है वो लाइट सी ग्रीन शेड का कंट्रास्ट दिया गया है। ठीक है, ये हमारा रेगुलर जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, और अभी ये रीस्टॉक हुआ है जी, ये ऑल टाइम फेवरेट आर्टिकल है और रेगुलर है, ये काफ़ी टाइम से इसकी सेलिंग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं, काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ से ये आर्टिकल चल रहा है। सही, ठीक है। और इसकी बैग पे क्या डिटेलिंग आएगी? बैग भी जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बॉडी बहुत प्यारी बनी हुई है, सारा इसके ऊपर सीक्वेंस और तिल्ले का काम है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, फ्लेयर बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, और काफ़ी मुनासिब प्राइसेस में ये सब आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, सब न्यू अराइवल है, कुछ रीस्टॉक आर्टिकल्स हैं, और फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और प्राइसेस बहुत मुनासिब प्राइसेस में सब आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे ये जी। दुपट्टा इसका जो कंट्रास्ट में सी ग्रीन में है, ठीक है, शिफॉन फैब्रिक पर, और ट्राउजर जो है वो स्ट्रेट आएगा रशियन सिल्क। अच्छा, जो दुपट्टे पे ये फोर साइडेड एम्ब्रॉयडरी जी, ठीक है, फोर साइडेड एम्ब्रॉयडरी के साथ शिफॉन फैब्रिक का कॉम्बिनेशन के साथ दुपट्टा है ये वाला। और ये किस प्राइस रेंज में अवेलेबल होगा? ये अब आपको जो ओल्ड प्राइस थी उसी पर मिलेगा 14,000 में। ठीक हो गया, और साइजेस सेम, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज जी। सो इसके बाद हम ये नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं, और ये वाला आर्टिकल पेस्टल की थीम में डिज़ाइन किया गया है, और दुपट्टा किस बेस पे डिज़ाइन किया गया इसका? जी मैं जो टेस्ट बताती हूँ, ये आर्टिकल जो है वो रिपीटेड आर्टिकल है, ये बड़ी ईद पर जो है वो हमने शो किया था, और अब ये दोबारा से रीस्टॉक हो गया है, और बाकी जो इसकी डिटेलिंग है, दुपट्टा जो है वो खड़ी सिल्क के ऊपर बनाया गया है कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, जो मैक्सी के ऊपर कॉन्ट्रास्ट दिया है वो टी पिंक का है, तो दुपट्टा उसी तरह सेम टी पिंक कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है। सही है, और साथ ये भी सेम एज इज फ्रंट ओपन स्टाइल में है। आई थिंक आजकल काफ़ी डिमांड है फ्रंट ओपन स्टाइल मैक्सी जो गाउन्स की। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ये फ्रंट ओपन स्टाइल में मैक्सी डिज़ाइन की गई है, जो है। इसकी अपर लेयर है वो सॉफ्ट नेट फैब्रिक के ऊपर है कम्प्लीट, इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस और रेशम यूज हुआ हुआ है, साथ में तिल्ला इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, स्टिचिंग बहुत अच्छी दी गई है, इसके 10 पैनल्स है फ्रंट पर, 10 पैनल्स बैक पर हैं, जिसकी वजह से फ्लेयर बहुत अच्छा आ रहा है, इसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी जो इनर बेस है वो किस स्टफ पे? इनर जो है वो जेकार्ड फैब्रिक पर है, अच्छा जेकार्ड यूज़ हुआ हुआ है। सही, तो इसका आप ये इनर की भी बेस ये देख सकते हैं, सेल्फ प्रिंट में डिज़ाइन किया गया वाला आर्टिकल जो इनर है इस। और ये जो मैं शेड आपको बताऊँ, ये बेज शेड है मैक्सी का, ठीक है, उसके साथ टी पिंक का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। सही, काफ़ी अच्छे लुक आ रही है इस आर्टिकल की कॉम्बिनेशन, इसका आप देख सकते हैं बैक डिटेलिंग आएगी इसकी जी। बैक पर जो है वो ऊपर से जो है वो प्लेन है, नीचे जो है वो फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग की हुई है, बॉर्डर दिया गया है। सही हो गया, और इसका भी सेम ट्राउजर प्लेन में आएगा जी, ट्राउजर जो है वो प्लेन स्ट्रेट में आएगा रशियन सिल्क पर। ठीक है, और ये किस प्राइस रेंज में होगा? ये 10,500 में। ठीक है, पहले भी सेम शेड में आपने आर्टिकल कवर किया था, डिफरेंट कलर था उसमें? नहीं नहीं, सेम यही आर्टिकल था, ये भी रीस्टॉक हो गया है, तो 10,500 में सेम प्राइस है, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल आप डिस्प्ले करोगे? अच्छा, ये भी रिपीटेड आर्टिकल है, बड़ी ईद पर हमने ये शो किया था आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी, लेकिन उस टाइम पर शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से रीस्टॉक नहीं पॉसिबल था, तो अब ये रीस्टॉक हो गया है, तो जिन कस्टमर्स को पहले नहीं मिल सका था तो अब वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल्स इसकी बता दूं कि ये सॉफ्ट नेट फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है, फ्लेयर बहुत अच्छा दिया हुआ है, 10 पैनल्स के साथ फ्रंट एंड बैक है, बाकी जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, जो पैटर्न दिया गया है वो बहुत खूबसूरत है, आप अगर क्लोजली कैमरे से उसको कैप्चर कर लें, कस्टमर देख सकें, उनको आइडिया हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और पीकॉक स्टाइल में ये एम्ब्रॉयडरी की गई है इस पे, ये भी बॉर्डर जो है इस पे जी, जो इसकी नेक लाइन है उसके ऊपर हैंड स्टिच जो है वो पर्ल्स लगी हुई है, सीक्वेंस लगा हुआ है, वो सारा स्टिच्ड है, कुछ भी इस पे पेस्टेड नहीं है। मज़ीद इसमें जो स्लीव्स हैं वो विदाउट इनर है, लेकिन इसके अंदर जो है हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है, तो अगर कोई कस्टमर जो है वो फैब्रिक इनर में लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। सही, ठीक है, और इसकी बैक भी एम्ब्रॉयडरी के साथ है? जी, बैक पर भी काम हुआ हुआ है इसके, ये इसकी बैक की लुक है। सही, ठीक है, फ्रंट बैक एम्ब्रॉयडरी के साथ ही डिज़ाइन किया गया आर्टिकल,
और इसका दुपट्टा किस बेस पे होगा? दुपट्टा भी जो है वो सॉफ्ट नेट फैब्रिक के ऊपर है। ठीक है, ये ओपन करके दिखा दें दुपट्टा भी थोड़ा सा। सेम शेड में दुपट्टा डिजाइन किया गया, इसका भी ब्लैक शेड में जी। फोर साइड जो है वो बॉर्डर दिया गया है एम्ब्रॉयडर्ड, बाकी जो है वो छोटे बंचेस बनाए हैं। सही हो गया। ये इसका भी ट्राउजर जो है वो प्लेन में आएगा। और ये किस प्राइस रेंज में होगा? ये मिलेगा 11,500 में। सो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल आप डिस्प्ले कर रहे हो? नेक्स्ट जो है ये भी न्यू अराइवल है, पेपलम स्टाइल है इसका, और नीचे जो है वो घरारा डिज़ाइन किया गया बॉटम में। तो पेपलम की डिटेल्स बता दूं कि 8 पैनल्स हैं इसके, अच्छे फ्लेयर में बनाया गया पेपलम, और इसके ऊपर कंप्लीट रेशम तिल्ला और सीक्वेंस की वर्किंग हुई हुई है। ठीक है, और सारा ये थ्रेड वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी वाली जी। फैब्रिक जो है वो ऑर्गेंजा है पेपलम का, और नेवी ब्लू शेड है इसका। सही हो गया। और पेपलम की बैक भी एम्ब्रॉयडरी के साथ होगी जी? बैक भी शो करवा दूं। बैक पर जो है इसके जो ऊपर बॉडी है उसके ऊपर स्टिचिंग के साथ जो है वो डिजाइन दिया हुआ है। सही है, सिलाई के साथ उसका डिजाइन बनाया हुआ है, और बाकी जो है पैनल्स के ऊपर वो गोटा लप्पा लगा हुआ है। ठीक है, सही। और साथ ये गरारा भी सेम बेस पे जी? नहीं, जो गरारा है वो सॉफ्ट नेट फैब्रिक के ऊपर बनाया गया। ठीक है, ताकि वो स्टिफ ना हो और सॉफ्ट रहे, फ्लेयर उसका अच्छा बने, तो इसलिए ये जो है ये सॉफ्ट नेट के ऊपर बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो है रेशम का काम है, और नीचे बॉर्डर जो है फ्रंट बैक सीक्वेंस वर्किंग के साथ है। ठीक है, और साथ दुपट्टा किस तरह का डिज़ाइन किया गया? दुपट्टा जो है वो कॉन्ट्रास्ट में है, जो पेपलम के ऊपर मेन उसका कलर है कॉन्ट्रास्ट में, वो मरून शेड है, तो दुपट्टा जो है वो मरून शेड में कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है। फोर साइड किरण लेस है, बाकी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है, और बाकी जो है ओवरऑल जो है इसके ऊपर छोटे बंचेस बने हुए हैं रेशम के साथ। सही, ये भी कंप्लीट आर्टिकल कॉम्बिनेशन के साथ है। और इसकी प्राइस रेंज क्या होगी? ये 8,000 में मिलेगा। ठीक है, 8,000 की प्राइस रेंज विद स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज के ऑप्शन के साथ जी। सो इसके बाद हम ये नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं, ये भी आपका न्यू अराइवल में से आर्टिकल जी। ये भी न्यू अराइवल है, इसके साथ जो है ये स्ट्रेट शर्ट डिज़ाइन की गई है जैकेट के साथ। ठीक है, जो इसकी जैकेट है वो अटैच नहीं है, ये इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो हाथ की वर्किंग हुई हुई है, जो इसके ऊपर कटदाना लगा है वो सारा स्टिच्ड है। ठीक है, और जो ये बंचेस बने हैं वो रेशम के बने हुए हैं। सही, और ये स्टफ कौन सा है? ये मसूरी फैब्रिक है, मसूरी बेस पे है। ठीक है जी, बाकी ओवरऑल शर्ट प्लेन में है, सिर्फ इसकी जो जैकेट है ये फुली एम्ब्रॉयडरी के साथ है ये जी। और साथ इसकी जो बैक है वो भी प्लेन में आएगी? बैक जो है वो प्लेन आएगी, सिर्फ जो जैकेट है उसके ऊपर जो वो नीचे कटदाना लगा हुआ है वो बैक पर आएगा। ठीक है, और साथ टसल्स की भी बैक की ऑप्शन अवेलेबल है ये, और साथ ये इसका बेल बॉटम है ये वाला। साथ में जो है इसका जो है ये बेल बॉटम स्टाइल में ट्राउजर डिजाइन किया गया है, इसके ऊपर जो है वो मोटिव बना हुआ है। ठीक है, रेशम के साथ, और ये भी सेम बेस पे मसूरी फैब्रिक पर। ठीक है, और इस आर्टिकल के साथ जो दुपट्टा है वो कंट्रास्ट में है टी पिंक शेड में, सॉफ्ट नेट फैब्रिक है, कंप्लीट इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस की वर्किंग है। ठीक है, और ये भी कंप्लीट आर्टिकल कॉम्बिनेशन के साथ है ये वाला। और ये किस प्राइस रेंज में? ये मिलेगा 7,500 में। ठीक है, और इन सब आर्टिकल्स में कलर्स की भी ऑप्शन होगी या वन आर्टिकल वन शेड के ऑप्शन? नहीं, वन शेड है। सो इसके बाद आप लास्ट कौन सा आर्टिकल कवर कर रहे हो? ये लास्ट जो आर्टिकल है ये भी रिपीटेड आर्टिकल है, और ये कॉटन समर कॉटन फैब्रिक के ऊपर बेस है इसकी, फ्रॉकी लॉन्ग फ्रॉक है, और इसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा दिया गया है फ्रेश रेड कलर का, और इसकी बेस नेट पे है ये वाली जी, नेट के ऊपर है दुपट्टे की, और इसके ऊपर जो है वो बंचेस बने हुए हैं रेशम के और सीक्वेंस के साथ। ठीक है, बाकी जो फ्रॉक की डिटेलिंग है वो बहुत ही खूबसूरत, इसके साथ जैकेट डिज़ाइन की गई है, बाकी जो इसके पैनल्स हैं 10 पैनल्स है फ्रंट पर 10 बैक पर है, फ्लेयर बहुत अच्छा दिया गया है, रॉयल ब्लू शेड इस आर्टिकल का। ठीक है, जैकेट जो है ये अटैच नहीं है, ये सेपरेट है। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स डिस्प्ले किए हैं सबके जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है एम्ब्रॉयडरी का, वो काफ़ी अच्छा गिवन है, और सबकी जो वेयरिंग है वो आफ्टर वेयरिंग लुक काफ़ी अच्छी आएगी जी। आप इसका बॉर्डर और इसका फ्लेयर आप देखें कितना ज़्यादा और कितना खूबसूरत बना हुआ है इसका बॉर्डर, कितनी अच्छी अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है डिज़ाइन। सही, ठीक है, और इसकी बैक भी एम्ब्रॉयडरी के साथ होगी? नहीं, बैक इसकी प्लेन में आएगी। ठीक है, और फैब्रिक है कॉटन बेस पे जी, समर कॉटन फैब्रिक है। ठीक है, और साथ इसके ये अच्छा, और ये जो जैकेट के साथ जो इनर है इसका फ्रॉक जो है उसकी जो नेक लाइन है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है, सही हो गया, और इसके साथ भी ये सेम एज इट इज प्लेन ट्राउजर का स्ट्रेट ट्राउजर आएगा प्लेन। सही, और ये किस प्राइस रेंज में होगा? ये 7,800 में है।
सही है, साइजेस में भी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज जी। ठीक है, सो गाइज इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है चला वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना काइंडली फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।